आई एम गार्गी सिंह एंड बैक विद येट अनदर धासू ट्रिक्स इस बार जो चैप्टर है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड ये चैप्टर तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें बहुत हैं तो आज मैं तुम्हें ट्रिक्स बताने वाली हूँ उसमें आपके चार क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएंगे इस चैप्टर से चार से पांच क्वेश्चन आते हैं और चार क्वेश्चन अगर इसी से मेरे हो जाए तो क्या बढ़िया बात है ना तो सेशन को शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले एक बात बताती हूँ तुम्हें कि मेरा यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है चार बजे मेरी क्लासेस होती है हम जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं यस जेनेटिक्स हम शुरू करने वाले हैं मैं जेनेटिक्स को आपको इतने बढ़िया तरीके से लास्ट टाइम बस मेरे साथ बिल्कुल डिटेल में पढ़ लो उसके बाद बच्चे सुपर 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 रिवीजन में एक और बार करवाऊंगी ठीक है एक और बार पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन में करवाने वाली हूँ अभी हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है लेकिन उसके बाद एक और बार मैं तुम्हारा रिवीजन करवाने वाली हूं तो दो राउंड तुम्हारे रिवीजन के करवा दिए एक हो चुका है ऑलमोस्ट हो चुका है और एक होने वाला है फ्री क्लासेस मेरी हो रही हैं 9:30 थर्टी पीएम पे जहां पे हम 5000 थाउजेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन से घूम फिर के तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिवीजन होगी उतना ही आपको आदत पड़ेगी उस माहौल की जो आप उन तीन घंटे बीस मिनट में बैठने वाले हो नीट नॉलेज से ज्यादा कौन कितना अच्छा टेस्ट टेकर है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके लिए प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी है फ्री क्लासेस है नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए ओके बट बिफोर दैट आई विल टेल यू दैट हमारा जो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन का ऑफर है बच्चे अभी अभी फिफ्टींथ फेफ uh, तक आपको मिलेगा 36% ऑफ अप टू 36% आपको ऑफ मिलने वाला है एंड जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा यू विल गेट

प्लस का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ बच्चे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे आपको प्रॉपर डीपीपीज प्रॉपर आपको नोट्स प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे सो इफ यू वांट की लास्ट के तीन महीने में क्योंकि अब लास्ट का जो लैप है ना इसमें कौन कितना जोर लगाता है ना उस पर बड़ा ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पहुंचने वाले हो सिमिलरली इफ यू आर समबड़ी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक ऑफर है कि बारह महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको तीन महीने का फ्री मिल रहा है

ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैंगो पीपल आम लोग आम आदमी सो मैंगो एंड पीपल इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ लीफ सिंपल वाला पिनेटली कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड कौन सा होता है जिसमें जो डिवाइड हो जाता है दो में ऐसे 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 करके दो में डिवाइड हो जाता है लाइक दिस ऐसे 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 लीफ आपका डिवाइड हो गया अब इसका एग्जाम्पल क्या है नीम एंड रोज वाटर पीना ठीक है बोलते ना रोज वाटर भी हेल्दी है नीम वाटर भी हेल्दी है तो मैं ऐसे समझ लो तुम्हें नीम और रोज वाटर पीना है ठीक है तो एग्जाम्पल क्या है नीम एंड रोज पिना इज पिना पिनेटली कंपाउंड देन अगर मैं पामेटली कंपाउंड की बात करूँ तो मेरा जो पाम है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्क है है ना ऐसे अगर मैं बोलूं तो तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सिल्क कॉटन वैरी मैटर गई क्या था सीरी था <laughs> सिल्क कॉटन सिल्क कॉटन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा पामेटली का एग्जाम्पल हो जाएगा हमेशा याद रखना ठीक है तुम्हारा जो पाम है दैट इज सिल्क एंड सॉफ्ट इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पामेटली कंपाउंड हो जाएगा इसका एग्जाम्पल पामेटली कंपाउंड क्या होता है जब एक पॉइंट से आपके सारे के सारे लीव्स अराइज हो रहे हैं लीफलेट्स नॉट लीव्स बट द लीफलेट्स नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फाइलोटेक्सी फाइलोटेक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम अब वो आपकी तीन तरह की है ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंड वर्ड्स इस वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो वाली ट्रिक्स दे रही हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत वास्ट है जितनी ज़्यादा ट्रिक्स तुम करोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो तो इट्स बेटर कि जहां से क्वेश्चन आते हैं उनकी ट्रिक्स तो तुम पक्का पक्का बना के चलो अब ऑल्टरनेट है ऑल्टरनेट की जो ट्रिक है दैट इज चाइना मस्ट हैक्का सनफ्लावर होगा तो इसका जो एग्जाम्पल <coughs> है वो क्या बन जाएगा चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑल्टरनेट हो गया ऑपोजिट की बात अगर मैं करूँ तो हमारे पंजाबी ना पंजाबी में एक ब, बर्ड होती है जिसको बोलते हैं कुग ठीक है कुगी, तो मैंने उसका मेल बना दिया वर्जन तो मैंने इसको क्या बोल दिया कुग ठीक है कुग ठीक है जी तो या फिर गुका

अब बात करते हैं फ्लावर सिमेट्री की तो तुम्हारा जो फ्लावर होगा वो या तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा उससे तुम किसी भी प्लेन में डिवाइड कर दो है ना अच्छा तो उसका क्या uh, मेरा ट्रिक होगा एक मस्त चिली दे दो एक 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 फॉर एक्टिनो ठीक है साउंड लाइक ए सो इट इज फॉर एक्टिनो मस्त चिली दे दो मस्टर्ड दतूरा चिली ठीक है मस्त स्टैंड फॉर मस्टर्ड चिली चिली दे दो इज फॉर दतूरा तो याद हो जाना चाहिए जायगो की अगर मैं बात करूं जो एक ही प्लेन में डिवाइड होता है तो जायगो का जो मेरा एग्जांपल है वो क्या है ट्रिक क्या है जागो मोहन प्यारे बायो की क्लास है है ना जागो इज फॉर जाइगो मोहन इज फॉर गुलमोहर ठीक है गुलमोहर प्यारे इज फॉर पी बायो का बी इज फॉर बीन्स एंड क्लास का सी इज फॉर केशिया तो हो गया जागो मोहन प्यारे क्या हो गया जायगो मोर्फिक का एग्जाम्पल हो गया गुलमोहर मोहन पी प्यारे वींस बायो क्लास। यहीं पे तुम्हें सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे और एनसीईआरटी से बाहर वाले एग्जाम्पल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर तुम कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना सिंपल सी बात है एसिमेट्रिकल जो इरेग्युलर है जो मना, जो मना खुद ही मना कर रहा है आई 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 नॉट 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 डू दिस तो उसका एग्जाम्पल तो कहना ही हो जाएगा ना इफ यू कैट डू इट

ट्विस्टेड ट्विस्टेड का एग्जाम्पल इज लेडी ऑफ चाइना हैजिस्टेड कॉटन तो ट्विस्टेड आ गया इसमें तो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल होगा लेडी लेडीज फिंगर चाइना चाइना रोज कॉटन कॉटन ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या हो गया लेडी ऑफ चाइना हैजिस्टेड कॉटन इम्ब्रिकेट आई एम अल ग आई एम अ कूल गैल और अ गाय कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से लगा लेना आई फॉर इम्ब्रिकेट आई एम इज फॉर इम्ब्रिकेट कूल का जो सी है दैट स्टैंड फॉर केशिया जी गैल का या गाय का जो जी है फॉर गुलमोहर हमेशा याद रखना जहां जहां गुलमोहर होगा वहां वहां केशिया भी होता है ये भी एक चीज याद रखना ठीक है जहां जहां गुलमोहर होगा वहां वहां केशिया जरूर आएगा वेगजिलरी वेगजिलरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेगजिलरी में आपका क्या आता है फैबेसी की पूरी फैमिली आ जाती है फैबेसी और फैबेसी में ही आपको पी और बी मिलते हैं तो इसका क्या ट्रिक है अपना इसका ट्रिक है फैबेसी का ट्रिक है पापा एंड भाई वेरी फैब पापा और भाई बहुत फैब है ठीक है पापा का पी स्टैंड फॉर पी भाई का बी स्टैंड फॉर बीन वेरी का वी स्टैंड फॉर वेगिलरी एंड फैब फैबेसी वैसे तो ये दोनों फैबेसी को ही बिलोंग करते हैं ओके अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ फ्लोर और पार्ट्स ऑन थेलमस या फिर रिसेप्टिकल जिससे

ये हो गया हाई अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे ब्रिंजल जो यहाँ दिया हुआ है ना तुम्हें ब्रिंजल तो मतलब सोलनेसी में भी सुपीरियर होने वाली है ओवरी वैसे जो तुम्हारी चारों फैमिली ना उन सब में सुपीरियर होने वाली अब तुम बोलोगे चार कौन सी फैमिली मुझे लिख के बताना चार कौन सी फैमिली मैम तीन ही होती है लेकिन चार है तो तुम चारों के नाम मुझे बताओगे जरा मैं देखू कितने बच्चों ने एनसीआर को ठीक से पढ़ा है ओके नाउ सराउंडिंग द ओवरी ठीक है यहां पे थेलमस कैसा होता है सॉसर शेप्ड होता है या फिर कप शेप्ड होता है जो कि तुम्हें यहां दिख रहा है एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल इसका परी ने प्लम्बर को पीच रोज दिया ठीक है परी पेरी गाइनस प्लम्बर प्लम पीच पीच रोज दिया रोज तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एग्जाम्पल है प्लम पीच रोज परी ने मतलब पेरीगाइनस प्लम्बर प्लम पीच पीच रोज दिया रोज ओके इपिगनस द लास्ट वन इन दिस केस इज इपिगनस जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है इपी मतलब ऊपर गाइनस मतलब ओवरी ओवरी के ऊपर है सब तो ओवरी आपकी इन्फीरियर होगी इसका एग्जाम्पल क्या है कुगू ऐसे पंजाबी में लोगों के नाम थोड़े ऐसे हो जाते हैं कुगू कु्गू जरा सनफ्लावर लाओ Q is for cucumber. G U is for guava. Sunflower is for sunflower. लेकिन sunflower में कौन सा भाई ray florets. Sunflower के पास दो तरह के फूल होते हैं एक होते हैं ray florets, एक होते हैं disc florets. तो so, यहाँ पे ray florets आएंगे disc florets नहीं आते Please remember this. ये हो गया तुम्हारा uh, position का ओ, ओ, जो फ्लावर का पोजीशन है उसका हो गया अब हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन का प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन से भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं तो प्लेसेंटेशन तुम्हारा एक दो तीन चार पांच तरह का है मार्जिनल एक्साइल एंड बेसल एंड फ्री सेंटर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए मार्जिनल का होता है एक्साइल का होता है पेराइटल का होता है तो कैसे याद रखोगे तुम पहले आ जाता हो मार्जिनल पे एम पी भाई फैब एम पी भाई फैब है अब एम पी एम स्टैंड फॉर मार्जिनल पी स्टैंड फॉर पी भाई बीन फैब फैबेसी तो पूरी की पूरी फैबेसी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन तुम्हें मिलने वाला है अगर हम बात करें एग्जाइल की तो एग्जाइल में क्या आ जाएगा एग्जाइल का जो एग्जाम्पल है जो ट्रिक है दैट इज चाइना से टमेटो लेकर आओ चाइना से टमेटो लेकर आओ चाइना अपना बहुत ज्यादा है अपनी ट्रिक्स में क्योंकि चाइना रोज हर जगह घुसा हुआ है तो चाइना रोज टमाटर लेकर आओ इज लेमन लाओ ले आओ इज लेमन इट स्टैंड फॉर लेमन इस पेराइटल की अगर मैं बात करूं तो पेराइटल का जो ट्रिक है मेरा वो है पॉपी एंड कुकू मस्ट वॉटर पपाया वही अपने पंजाबी लोगों के जो नाम है पॉपी एंड कुकू ठीक है जो बच्चे हैं मस्ट वॉटर पपाया मम्मी पापा ने उन्हें बोला कि जब हम जा रहे हैं और ना यहाँ पे पानी जरूर देना पपाया को नहीं तो पपाया मर जाएगा तो इनको पा, पानी देना तो देखिए जरा सो वी है पपाया क्यूकम्बर कुकू ठीक है वॉटर वॉटर मेलन ये हो गया तुम्हारा पेराइटल अगर मैं बेजल की बात करूं तो बेजल बस मेरी सुनो और बस मेरी सुनोगे तभी तुम्हारा नीट क्लियर होगा ठीक है तो मेरी भी सुनो बस मेरी सुनो बस मेरी सुनो बस स्टैंड फॉर बेजल मैरी गोल्ड एंड सुनो इज फॉर सनफ्लावर बस मेरी सुनो हो गया फ्री सेंट्रल दिया एंड प्रिया फ्री है ठीक है दिया एंड प्रिया फ्री है डायंथस दिया प्रिया प्रिमरोज खत्म जी हो गई कहानी खत्म अब आ जाओ तुम तो फैमिलीज फैमिलीज पे फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ जितनी की जितनी फैमिली तुम्हारी में दी है सारी की सारी सुपीरियर फैमिलीज है अब फैमिलीज के नाम याद रखना हमें बड़े डिफिकल्ट लगते हैं कैसे नाम याद रखें तो फैमिली फैबेसी को तुम कैसे याद रखोगे ट्रिक है सुन ले इंडिया में पल्सिस एंड ऑयल से ट्रिपल स्वीट मुलाठी मिलेगी कैसे सुन स्टैंड फॉर सनहेम्प इंडिया में इंडिगो फेरा राइट right, जो डाई देता है जिससे तुम्हारा ब्लू कलर का डाई मिलता है ले ल्यूपिन ऑर्नामेंटल है बड़ी सुंदर से इसके फ्लावर्स होते हैं पल्सिस में आपको पता है क्या क्या आती है दालें नहीं पता तो आज मम्मी को जाके पूछना और यहाँ लिखना कॉमेंट में मैम ये ये दालें होती हैं ग्राम अरहर सेम मूंग सोयाबीन ऑयल सोयाबीन ऑयल ग्राउंड नट ऑयल से, से सिस्बेनिया जिसको चारे की तरह यूज करते हैं फॉर्डर ट्रिपल से ट्राइफोलियम चारे की तरह यूज होगा स्वीट स्वीट पी ऑर्नामेंटल है ओके okay, मुलक्ठी मुलक्ठी जब गला खराब होता है तो हम खाते हैं तो इसलिए मेडिसिनल वैल्यू है इसका दिस इज योर फैबेसी ओके नाउ कमिंग टू सोलनेसी सोलनेसी क्या कैट्रिक है दो बहने हैं या दो फ्रेंड है बेला एंड एश ठीक है उनका जो पेट है ना <coughs> उसको स्पाइसी खाना बड़ा पसंद है अनलाइक मी उसको स्पाइसी खाना पसंद है ओके <coughs> okay, तो क्या हो रहा है बोल रहे कि बेला एंड एश का पेट लव्स टू तो ईट स्पाइसी फूड सो so, बेला से हो गया बेला डोना बेलोडोना का मेडिसिनल वैल्यू होता है खांसी में हेल्प करता है ठीक करने में अश्वगंधा मेडिसिनल यूज होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पे पेट पेट से आ गया पिट्यूनिया पिट्यूनिया बड़े छोटे छोटे से बड़े सुंदर सुंदर से फ्लावर होते हैं टू टबैको फ्यूमिगेटरी यू नो दैट स्मोक करते हैं लोग स्पाइसी क्या होगी चिली फूड में क्या आ जाएगा भाई टमाटर ठीक है बैंगन आलू ये सब आ जाएंगे तुम्हारे फूड में एंड दिस इज योर सोलन एसी सॉटेड अब आ जाओ तुम लिली ए पे को हम कैसे याद रखेंगे तू ग्लोरी को आसपास अलाउ तो कर तभी तो आएगी ग्लोरी तेरे पास ऐसे तो नहीं आएगी है ना तू इज फॉर ट्यूलिप ऑर्नामेंटल है बड़े सुंदर से फ्लावर होते हैं आपने देखे होंगे ग्लोरी ग्लोरियोसा ऑर्नामेंटल है को कॉल्चिकम ऑटमनेल जो माइटोसिस को रोक देता है कहा कौन सी स्टेज पे रोकता है ये तुम बताओगे कॉल्चिसन कौन सी स्टेज पे माइटोसिस को रोक देता है ये तुम बताओगे आसपास स्पेरेगस वेजिटेबल है अलाउ कर एलोवेरा इज अ मेडिसिन स्किन पे लगाते हैं ना ड्राई हो जाती है तो ठीक है सप्पल बनाने के लिए स्किन को दीज आर द ट्रिक्स जो तुम्हें तुम्हारे मॉर्फोलॉजी चैप्टर को सॉर्टेड कर देंगी आई एम श्योर कि यहां से तुम चार क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अब क्वेश्चन की बात करें तो एक दो क्वेश्चन भी देख लो हाँ देखो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंडेड अभी हमने देखा था दिया एंड प्रिया फ्री हैं डाई एंड डायस कब पूछा गया था 2016 में एक क्वेश्चन आया था ओके देन हाउ मेनी प्लांट्स ये ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ थी फैबेसी में थी और फैबेसी को कैसे याद करा था हमने याद करो सुन ले इंडिया में <coughs> ट्रिपल स्वीट मुलट्ठी मिलेगी हाँ <coughs> याद है ना चलो देखें फिर कौन कौन से मस्टर्ड नहीं है मस्टर्ड ब्रेसिक एसी को बिलोंग करता है ग्राम है ट्यूलिप लिली एसी को बिलोंग करता है एसपेरेगस भी लिली एसी को बिलोंग करता है अरहर होगा सनहेम्प होगा चिली सोलनेसी को बिलोंग करता है कॉलचिकम चिकम लिली एसी को बिलोंग करता है अनियन भी लिली एसी को बिलोंग करता है डायग्राम बनाया हुआ देखना जरा मूंग पी टोबैको सोलनेसी को बिलोंग करता है ल्यूपिन होगा ठीक है तो कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा सिक्स विच इज सी इज द करेक्ट आंसर ओके इस तरह के क्वेश्चन तुम कर पाओगे एंड अंत में बच्चे अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी ना तो जरूर लाइक ज़रूर करना है शेयर जरूर करना है कॉमेंट जरूर लिख के जाना है बताना जरूर है कि हाँ हमारी हेल्प हुई है इससे एंड यस इफ आपके uh, छोटे भाई बहन uh, अगर आपके नेबर्स कोई भी हो जो अभी 24 के लिए प्रिपेयर कर रहा है अगर वो चाहते हैं कि कोटा जैसा हमें हमारी पढ़ाई होनी चाहिए देन आन अकेडमी इज ब्रिंगिंग कोटा टू यू एंड वो बैच आपका कब से शुरू हो रहा है फोर्टींथ फेब से शुरू हो रहा है है ना और यहाँ पे आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा और आपको मेरा गाइडेंस मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा जो टीचर्स आपके रिनाउंड टीचर्स कोटा के आपको पढ़ाएंगे एट द कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन टेक देयर सेशंस आपको लाइव दिखेंगे जो वो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वो आपको लाइव दिखेगा आपको सारा का सारा मटेरियल कोटा वाला ही मिलने वाला है डीपीपीज या फिर टेस्ट सीरीज एवरीथिंग एवरीथिंग तो बस मुझे बता देना कि भाई मैम ट्रिक अच्छी लगी थी एंड एल सी इन द क्लासेस बाय